हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलराम यादव और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा सीएसईआर नेट के पार्ट ए में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहले आप सभी को थैंक यू, क्योंकि आपने पार्ट ए की भी इस वीडियो सीरीज़ को इतना सपोर्ट किया। आपकी वजह से मैं रेगुलर इतने सारे वीडियो लेके आ सका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे अभी सिर्फ 3 दिन बाद ही क्या है सीएसईआर नेट का एग्जाम है, तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखो, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, सबसे मेन पॉइंट होता है रिलैक्स होना होगा। ठीक है, जितनी आपने स्टडी कर ली वो काफ़ी है आपके लिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। जितनी आपने स्टडी कर ली अभी तक वो काफ़ी है। अब आप क्या हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, और जितना आपने जो भी पढ़ा है उसको है रिलैक्स माइंड से बिल्कुल शांत बैठ के कमरे में अकेले उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, बिना बुक और कॉपी की हेल्प से आप उसको माइंड में रिवाइंड कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए। और उसके बाद जो सबसे की पॉइंट होता है, अभी आपके पास 3 दिन है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट 3 पेपर तो कंप्लीट, जैसा कि हमारा पैटर्न होता है जो एग्जाम होता है 3 आवर्स का एग्जाम होता है, तो लास्ट ईयर के 3 एग्जाम उठा लीजिए, पेपर उठा लीजिए लास्ट ईयर के 3, और उनको कंप्लीट 3 आवर के लिए सोल्व कीजिए। मतलब 3 घंटे कहीं पर एक शांत जगह बैठ जाइए। ठीक है, आप या अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं अपने फ्रेंड को, 3 4 2 3 जितने भी फ्रेंड हैं आप सभी लास्ट ईयर के पेपर लीजिए, और कॉन्टिन्यूसली बिना डिस्टर्ब हुए कोई भी टाइम फिक्स कर लीजिए दिन में 3 घंटे, और उसको सोल्व कीजिए उस पेपर को। और उसके बाद आंसर किसी मैच कीजिए, कितना आपने सही किया, और जो गलत है वो अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग पेपर सोल्व करे थे किसी न किसी को, तो वो किसी ना तक, तो आपस में आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, डिस्कस करने का आपको मौका मिलेगा और आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखिए, सबसे मेन फैक्टर होता है यहाँ पे कॉन्फिडेंस का, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो जो भी क्वेश्चन आते हैं सभी को आते हैं। ठीक है, इतने तो उनको आता है कि वो एग्जाम को क्रैक कर ले, मेरिट तक जा सके, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो प्रेशर का, कि एग्जाम में प्रेशर बियर नहीं कर पाते स्टूडेंट और क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसलिए अगर आप 3 घंटे तक सेम वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हमें ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। जिस टाइप से भी आपको सोल्व करना है, कौन सा पार्ट पहले सोल्व करना है, पार्ट ए पहले सोल्व करना है या आखिर में सोल्व करना है, ठीक है, तो उसके लिए जो भी स्ट्रेटेजी है उस पर एक्सपेरिमेंट कीजिए और उसको एनालाइज कीजिए कि किस तरीके से हम पेपर में सोल्व करेंगे, तो हमारा टाइम भी बचेगा और पूरा पेपर अटेम्प्ट भी हो जाएगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने ऐसे सिर्फ 5 6 क्वेश्चन वो क्वेश्चन पेपर सोल्व किए थे प्रीवियस ईयर के, पूरे 3 घंटे के लिए बिना कोई डिस्ट्रैक्शन, और हम 3 फ्रेंड एक साथ सोल्व कर देते, उसके बाद आंसर किसी मैच किया। ठीक है, तो मोस्टली हमने जो वहाँ पे सोल्व करते थे बहुत सारे क्वेश्चन मोस्टली हो जाते, जो चॉइस में होते थे ना चॉइस के क्वेश्चन, वो भी हम अटेम्प्ट कर देते थे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हमें एक तरीके का पता चल पाएगा कि एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं पेपर में। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी इन 3 दिनों में, आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा जून 2017 में आया हुआ, विद रिफरेंस टू द राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए, इसने पहले मेंशन कर दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करना है, एंड शो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसने बोला राइट एंगल ट्राइंगल जो यहाँ पे दिखाई गई है इसका यूज करिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वैसे अगर हमें अपने स्कूल का जो मैथमेटिक्स पढ़ा था वो याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्विकली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमने ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े थे पीछे वाले वीडियो में, उनका यूज़ करके भी ये सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अपने स्कूल का मैथमेटिक्स याद है, ठीक है, तो आई थिंक ये फंक्शन सिर्फ जिन्होंने +1 में मैथ्स पढ़ा था उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, ये एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, होता है साइन ए प्लस बी, मतलब 2 एंगल होते हैं उनका सम लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर, और बाहर फंक्शन होता है साइन का, तो ये किसके इक्वल होता है, साइन ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी। देखिए, हमें सिर्फ 2 फंक्शन लेने, साइन और कोस, यहाँ पे एंगल का इंटरचेंज करना है, यहाँ पे साइन के साथ ए था, यहाँ पे साइन के साथ बी है, यहाँ पे कोस के साथ बी था, यहाँ पे कोस के साथ ए है, ये फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद कोस में फॉर्मूला होता है ये कोस ए प्लस बी, किसके इक्वल होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है।
यहाँ पे ए प्लस बी था तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, लेकिन साइन में सेम होता है, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस आएगा। और साइन में एक साथ दोनों फंक्शन आते हैं, साइन और कोस की मल्टीप्लाई होती थी लेकिन एंगल इंटरचेंज होते थे दोनों टाइम। यहाँ पे क्या है, एक टर्म में सिर्फ कोस के दोनों एंगल आएंगे, एक टर्म में साइन के दोनों एंगल आएंगे, और बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। तो मोस्टली आपको अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा इन्हीं दो फॉर्मूला का यूज होगा, ठीक है। टेन कोट का इतना ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाएगा, ठीक है, मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स को इतनी वो इंपॉर्टेंस नहीं देगा कि मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट ही कर पाए। तो जनरल ये इजी से फॉर्मूला है, आप इन्हें याद कर सकते हैं। अगर इन्हें याद नहीं करना चाहते तो जो अभी हमने बेसिक्स पढ़ा था, ठीक है, उसका यूज करके आप इसको सोल्व करिए। तो पहले देख लीजिए इस फॉर्मूला से, ये जो हमारा गिवन जो फंक्शन है, जो वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, वो किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी हमें वैल्यू निकालनी है ए प्लस बी की, ठीक, ये फंक्शन किसके इक्वल है, साइन ए प्लस बी। तो अब हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए। देखिए ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, एंगल सी कितना होता है 180, तीनों एंगल का सम 180 था, और सी तो हमें पता है 90 का है, तो सी को उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 90, यहाँ पे पुट कर दीजिए, साइन 90 क्या होता है 1, ओके। ये आप टेबल की हेल्प से आपको पता हो गया, अब तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो देखिए कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला याद है तो बिल्कुल क्विकली विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन हो गया। जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूला नहीं पता उनके लिए देखें हम कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको जो रेशियो बताए थे साइन थीटा कोस थीटा क्या थे, देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो आपको ये तो याद ही करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये टेन थीटा। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन ए कोस बी, कोस ए और साइन बी, ये चार वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और यहाँ पे एक बार एंगल ए यूज हो रहा है, एक बार बी यूज हो रहा है, तो चलिए हम पहले वैल्यू निकालते हैं साइन ए की और कोस ए की। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे देखो, अब देखो मैंने जो बताया था ना, जो परपेंडिकुलर का चॉइस, परपेंडिकुलर किसको चूज करना, यहाँ पे यूज होगा, एंगल क्या है ए, इस एंगल का यूज कर रहे हैं तो इसके जो अपोजिट साइड है उसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे इस साइड को, और जो बची हुई बेस ये हाइपोटेन्यूज, ओके। जिस एंगल का यूज करे उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, याद रख लेना काफी यूज होगा ये। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, सी बी अपन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, किसकी वैल्यू आ गई, साइन ए की, ऐसे ही कोस ए की वैल्यू आ जाएगी, बेस क्या है यहाँ पे ए सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी, ठीक है, दो वैल्यू आ गई। इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, साइन बी और कोस बी। अब क्या एंगल यूज करें, बी, तो अब बी के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, जो बचा हुआ वो बेस हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो गया। अब देखिए एंगल चेंज, ये दोनों साइड चेंज, आपस में इंटरचेंज। तो साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इस केस में, ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। कोस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी। ये वैल्यू आ गया हमारे पास चारों, यहाँ पे पुट कर देंगे और उसके बाद क्या यूज होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा। तो देखिए क्या करते हैं हम, ये साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू पुट करिए, सी बी अपॉन ए बी इंटू में कोस बी, कोस बी क्या है, सी बी इंटू सी बी बाई ए बी, प्लस में कोस ए, कोस ए क्या है, ए सी बाई ए बी, ठीक है। अब इनको हटा देते हैं, कोई यूज नहीं है। और साइन बी ए सी बाई ए बी, इतना हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, यहां से ये नीचे स्क्वायर बन रहा है ए बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सी पी, सी पी कहाँ से आ गया, सी बी होगा ये, ठीक है। साइन क्या था, किसकी वैल्यू, साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, सी बी, ओके, करेक्ट कर लेंगे, ये क्या है,
सी बी है, तो ऊपर क्या होगा सी बी स्क्वेयर, नीचे ए बी स्क्वेयर, प्लस में ए सी स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर। ठीक है, ये इस फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ गया ए बी स्क्वेयर, ठीक है, ऊपर हो गया सी बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर। अब यहाँ देखिए सी बी स्क्वेयर प्लस ए सी स्क्वेयर, अब पाइथागोरस का यूज होगा। पाइथागोरस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर। ठीक है, इतना पता है। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, एसी किसी को भी मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर इज इसको, अब कोई भी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, किसी को भी मान सकते हैं परपेंडिकुलर या बेस, इस केस में कोई फर्क नहीं होगा पाइथागोरस में। ठीक है, तो ये हो गया, मान लिया हमने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और इन दोनों के स्क्वेयर का सम किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वेयर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, ए बी, और क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वेयर। तो यहाँ से ए बी स्क्वेयर कैंसिल, क्या बच गया वन। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, वन। तो देखिए जिनको फॉर्मूला याद था थोड़ा क्विकली कर दिया, जिनको नहीं पता उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस रेशियो का यूज किया, इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, वन। इसमें उसमें 20 सेकंड लगे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 40 से 60 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, आंसर लेकिन हमें श्योर है, कॉन्फिडेंस होगा, हम करके आएंगे तो हमारा क्वेश्चन ये एक सही है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना। फ्रॉम जून 2013, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत ही बड़ी दिख रही है, क्वेश्चन ही उतना ही ईजी है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, यही मेन काम होता है पार्ट ए में। मोस्टली क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ो, उसका फिगर ड्रॉ करो, जो हमें समझ में आए उसको पेपर पर ड्रॉ कर दो, ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाएगा। तो देखिए, ए बी लिव्स इट्स हाइव इन द मॉर्निंग, इसने क्या बोला है, एक बी ने अपने हाइव को मॉर्निंग में छोड़ा। ठीक है, आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 मिनट्स, इसने बोला आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 मिनट्स, फ्लाई करने के बाद ड्यू साउथ, साउथ की तरफ रीचेज ए गार्डन एंड स्पेंड 5 मिनट्स। देखिए यहाँ पे अब डायरेक्शन का यूज हो रहा है, पहले क्या 30 मिनट्स किस साइड फ्लाई किया उसने, साउथ की तरफ, और उसके बाद एक गार्डन में पहुंची एंड स्पेंड 5 मिनट, और वहाँ पे उसने 5 मिनट्स स्पेंड किए कलेक्टिंग हनी, हनी को कलेक्ट करने में। देन इट फ्लाई फॉर 40 मिनट्स ड्यू वेस्ट, अब इसने 40 मिनट्स वेस्ट की तरफ फ्लाई किया, कलेक्ट हनी इन द अनोदर गार्डन, और वहाँ पे किसी दूसरे गार्डन में हनी कलेक्ट किया फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए। ठीक है, तो पहले जितना हमें पढ़ा इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो इसने स्टार्ट में क्या क्या बोला था, पहले हम डायरेक्शन का यूज हो रहा है तो डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे, पेपर पे हमारा जिस साइड फेस है उधर क्या मानते हैं हम, ईस्ट, और दूसरी साइड वेस्ट। ठीक है, और जो राइट हैंड है वो साउथ, और नॉर्थ हैंड है वो मीन्स जो लेफ्ट हैंड है, सॉरी, जो लेफ्ट हैंड है वो नॉर्थ। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसने बोला कि आफ्टर फ्लाइंग फॉर 30 मिनट्स, चलो हम पहले बी का सेंटर बना लेते हैं, हाइव कहाँ पे है, ये बी हाइव है। ठीक है, इसके बाद इसने बोला इसने किस साइड फ्लाई किया, साउथ की तरफ, कितनी 30 मिनट्स, साउथ कहाँ, इस साइड, इस साइड ही गए, 30 मिनट्स फ्लाई किया, यहाँ पहुँच गए। ठीक है, साउथ में, और उसके बाद बोला यहाँ एक गार्डन में पहुँचने के बाद उसने कितने मिनट स्पेंड किया वहाँ पे, 5 मिनट्स, तो यहाँ पे इसने 5 मिनट्स स्पेंड किए इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए, पहुँचने के बाद, और फिर उसने बोला देन इट फ्लाई फॉर 40 मिनट्स डू वेस्ट, अब इसने वेस्ट की तरफ फ्लाई किया 40 मिनट्स, तो वेस्ट कहाँ है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ नीचे की तरफ जाएगा, कितना 40 मिनट्स, ये क्या था 30 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ जाने के बाद वेस्ट में उसने फिर से हनी कलेक्ट किया कितनी देर के लिए गार्डन में, 10 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे इसने इस पॉइंट पे स्पेंड किया कितना टाइम, 10 मिनट्स स्पेंड किया इस गार्डन में। ठीक है, देन इट्स रिटर्न टू द हाइव, और इसने इसके बाद हाइव में वापस आया, टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट, अब देखिए इस रूट से जाएगा तो शॉर्टेस्ट नहीं है, कोई भी रूट हो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन को हम सबसे शॉर्टेस्ट मानते हैं, होता वो एक्चुअल में सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन ही है, तो इस रूट से ही वापस आएगा क्योंकि यही सबसे शॉर्टेस्ट है, अपने हाई पे वापस आ गया। हाउ लॉन्ग वाज द बी अवे फ्रॉम इट्स हाइव, इसने बोला हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक वो बी अपने हाइव से दूर रही, मतलब मॉर्निंग में निकलने से लेके वापस आने तक का हमें टाइम काउंट करना है यहाँ पे। तो देखिए
ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है ना आपस में। तो यहाँ पे भी 90, स्टार्टिंग में साउथ गया था फिर वेस्ट, तो 90 के एंगल पे उसने टर्न लिया था। तो अब ये क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे हाई उसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में किसी इन दोनों में से किसी को भी हम परपेंडिकुलर या बेस मान सकते हैं, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है जो राइट एंगल के सामने होता है, ठीक है। तो ये 30, ये 40, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा यहाँ से। क्या होगा, इनके स्क्वेयर का सम, इनका स्क्वेयर क्या है 900 प्लस में इसका स्क्वेयर क्या है 1600 और इनका अंडररूट। तो क्या 900 प्लस 1600 क्या हो गया 2500, इसका स्क्वेयर रूट ये क्या हो जाएगा 50, इसका स्क्वेयर रूट क्या होता है 50। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या आ गया 50। यूनिट देखें यहाँ पे मिनट्स थी, तो मिनट्स में आएगा। ऐसा क्योंकि आप बोलोगे सर हम यहाँ पे तो डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस लेके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखिए सही बात आपकी, बिल्कुल सही डाउट है। तो यहाँ पे हमने टाइम का यूज़ क्यों कर दिया, क्योंकि हमें गिवन है वो कांस्टेंट स्पीड पे फ्लाई कर रही है। अगर यहाँ पे ये चीज़ हटा दें तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड है तो हम यहाँ पे देखो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड हम कुछ भी मान लें, ठीक है, अपनी तरफ से लेट करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम है, स्पीड है, डिस्टेंस आ जाएगा ये वाला ये वाला। अब डिस्टेंस आने के बाद पाइथागोरस अप्लाई कर देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस को हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो लेकिन इतना करने के बजाय कांस्टेंट स्पीड गिवन था तो हमने डायरेक्ट ये पाइथागोरस टाइम पर अप्लाई कर दिया, ओके। अगर यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड नहीं होता तो भूल जाइए इसको, हमें पहले डिस्टेंस निकालना होता, फिर हम ये सारी चीज़ डिस्टेंस में काउंट करते, उसके बाद स्पीड से डिवाइड करके टाइम निकालते। लेकिन अभी के लिए अच्छा है कॉन्स्टेंट स्पीड थी, तो ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूज में 50 मिनट्स, ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 50 मिनट्स में ट्रेवल करेगी। निकालना क्या था, हाउ लॉन्ग वाज द बी अवे फ्रॉम द हाई, कितनी देर वो दूर है। देखिए 30, 40, 50 कितना हो गया बोलिए 120, ओके 120 मिनट्स। देखिए मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, 120 ऑप्शन में 120 है, चलो अच्छी बात है नहीं है, वरना 120 भी यहाँ पे टिक कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा आंसर है 30, 40, 70, 70 प्लस 50 120 मिनट्स। तो ये तो अच्छी बात हुई थी, कोई मिस्टेक नहीं कर पाएगा। लेकिन देखो इसके अलावा भी एक टाइम और है जो इसने बाहर स्पेंड किया, यहाँ पे 5 मिनट्स स्पेंड किए, यहाँ पे 10 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स और एक्स्ट्रा है। तो ये तो ट्रैवलिंग का टाइम आया हमारे पास, सिर्फ हमें निकालना क्या था टोटल टाइम जब वो अपने हाइव से दूर रही। तो 120 प्लस ये 15 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 135 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया 135। तो देखिए कैसे सोल्व करना, हमने सिर्फ इसको एनालाइज किया, फिगर ड्रॉ कर लिया डायरेक्शन का यूज़ करके, तो डायरेक्शन का ऐसे ही यूज करना हमें, ठीक है। फिगर ड्रॉ हो गया, डायरेक्शन का सही यूज करना है, और उसके बाद कांस्टेंट स्पीड थी तो हमने इस टाइम को ही हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल, मतलब उसके राइट एंगल ट्रायंगल की साइड मान के पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, ये वाला टाइम आ गया यहाँ से। ये क्यों है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड थी, तो मेन पॉइंट वही था कांस्टेंट स्पीड वाला, सारी साइड से आ गई, फिर उसने टाइम आ गया, हमने टाइम निकाल दिया, सभी का ऐड कर दिया, तो टोटल टाइम आ गया जब वो अपने हाइव से दूर थी। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, बहुत ईजी होते हैं, बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। डायरेक्ट एग्जाम में सोल्व करेंगे तो हमें पहले तो ये समझना होगा कैसे सोल्व करें, इसी में हमारा टाइम स्पेंड हो जाएगा, और हमारे पास टाइम क्या होता है सिलेक्टेड होता है, तो पहले प्रैक्टिस करते जाइए ताकि आप एग्जाम में डायरेक्ट इनको सोल्व कर सके, ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे। हमारा क्वेश्चन है जून 2014 में आया हुआ है, तो यहाँ पे क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में देखिए एन आर्ची क्लाइम्स टू द टॉप ऑफ ए 10 मीटर हाई बिल्डिंग, क्या है कोई आर्चर है वो 10 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर जाता है टॉप पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसकी जो फिगर है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में फिगर गिवन होता है, नहीं गिवन है तो हमें उसको अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन को फिर फिगर बनाना है, फिगर गलत हो गया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में मेन काम क्या होता है फिगर का बनाना, तो उसने क्या बोला 10 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, तो हमने यहाँ पे ये बिल्डिंग मान ली, ठीक है, ये क्या है बिल्डिंग, इसकी हाइट क्या है 10 मीटर और यहाँ पे इसके टॉप पे है, ठीक है। तो हम ह्यूमन की या पर्सन की आर्चर की ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट देते हैं तो उसकी हाइट क्या करते हैं हम नेग्लिजिबल लेते हैं उसकी हाइट, ओके। तो
तो यहाँ पे हमने सिर्फ बिल्डिंग बना दी, इसके टॉप पे क्या है आर्चर है, और उसके बाद उसने क्या बोला एंड एम्स एट ए बर्ड ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री, और उसके बाद उसने एम्स मतलब निशाना लगाया कहाँ पे, एट ए बर्ड किसी पक्षी पे, और वो पक्षी कहाँ बैठा है टॉप ऑफ ए ट्री, और ट्री ट्री क्या है 17 मीटर अवे, जो ट्री है वो 17 मीटर अवे है, मतलब यहाँ से कितनी दूर होगा 17 मीटर, और ये ट्री है, ठीक है, ट्री की हमें हाइट नहीं पता, और इसके जो टॉप है यहाँ पे बर्ड है, ठीक, और यहाँ पे इसने निशाना लगाया, ठीक, इतना इसने बताया और इतना हमने नोट कर लिया। द लाइन ऑफ साइट, जो इसने बोला जो लाइन ऑफ साइट है, जो देखने वाली लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इसकी बात कर रहा है, फ्रॉम द आर्चर टू द बर्ड, आर्चर से बर्ड के ऊपर मेक्स एन एंगल 45 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, ठीक है, जो हॉरिजेंटल होता है ये वाला, इसके से यहाँ पे भी एक ऐसा हॉरिजेंटल होगा, ठीक है, इसके साथ जो ये लाइन ऑफ साइट था ये कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, इसने पूरा मेंशन कर दिया कहाँ से आर्चर से बर्ड के ऊपर जो साइट लाइन ऑफ साइट था वो 45 का बना रहा है। इसने बोला हाइट ऑफ ट्री, हमें ट्री की हाइट बताना है, तो देखिए यहाँ पे मेन क्या है, हमने ये ट्री बना दिया, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं ये ट्री इस बिल्डिंग से बड़ा हो, ठीक है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन छोटा क्यों नहीं होगा वो अभी जैसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, पहला कैसे, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये ट्री क्या है स्ट्रेट खड़ा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, यहाँ पे 90 का एंगल राइट एंगल बन गया, तो ये क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और हमें इसी का यूज करना है, तो ये 90 ये 45 तो ये एंगल क्या हो जाएगा 45। तो इस क्वेश्चन में हम जो ज्योमेट्री में पढ़ा था, हमने ज्योमेट्री वाली वीडियोस में पढ़े थे ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जितने भी टाइप पढ़ी थी, ठीक है, वो सभी आपको याद ही होंगे, तो हमने यहाँ से दो एंगल क्या मिल गए इस ट्रायंगल के 45, तो आप बताइए कौन सी ट्रायंगल होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है जो इक्वल एंगल है इनके अपोजिट जो साइड है वो क्या होती है इक्वल, तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है ये वाली, इस 45 के अपोजिट ये वाली, ठीक है, ये दोनों साइड क्या होंगी इक्वल, और ये वाली साइड क्या है जितनी ये नीचे है हॉरिजॉन्टल लाइन 17 मीटर थी, अभी क्या होगी 17 मीटर, और ये हाइट क्या आ गई हमारे पास, ये भी इसके इक्वल, ये भी क्या होगी 17 मीटर, ये हाइट आ गई यहाँ से लेके कहाँ तक यहाँ तक, और ये हाइट कितनी होगी, ये तो देखो यहाँ से हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर है, दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर वो हमें से इक्वल, ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 10, ठीक, तो हमारा आंसर आ गया क्या था ट्री की हाइट बतानी 10 प्लस 17 27, ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज किया, ठीक है, जो पढ़ा उसका देखो बेनिफिट हो रहा है, उसके बाद जो अब हम पढ़ रहे हैं इन क्वेश्चंस के लिए जो हमने पढ़ा हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उनका यूज कैसे करेंगे, हमने इस हाइट को क्या मान लिया एक्स मान लिया, जो ये ऊपर वाली हाइट है एक्स मान लिया, ठीक है, और हम किसका यूज करेंगे इस एंगल का यूज करेंगे, 45 गिवन है, ये एंगल गिवन, तो इसके सामने वाला क्या होगा ये परपेंडिकुलर, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे है ये क्या हो गया बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो हम ऐसे जो जिन रेशियो का यूज करेंगे तो हम वो रेशियो चूज करेंगे उनमें से, देखो तीन रेशियो थे साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, इन तीनों में से हम एक अप्रोप्रिएट रेशियो चूज करना होता है क्वेश्चन के लिए सोल्व करने के लिए, तो वो कौन सा रेशियो चूज करेंगे, ऐसा रेशियो चूज करेंगे, देखो हर रेशियो में दो साइड होती है, सभी रेशियो में क्या है दो साइड है, तो हम वो रेशियो चूज करेंगे जिसकी एक साइड हमें निकालनी हो, ठीक है, जो हमें निकालनी है यहाँ पे एक्स निकालना है, ठीक है, तो अभी ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें हमें परपेंडिकुलर हो जिसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये निकालना है, एक वो वाली साइड लेंगे जो हमें पता हो यहाँ पे 17 मीटर पड़ा है मतलब बेस पता है, तो ऐसा रेशियो लेंगे जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो रहा हो 10 थीटा, ठीक है, तो अब याद रखना जब ये रेशियो अप्लाई करें तो वो रेशियो चूज करना है जिसमें एक चीज़ हमें निकालनी हो और दूसरी हमें पता हो, और एंगल तो हमें पता ही है, तो वहाँ से जो चीज़ हमें निकालनी थी वो इजीली आ जाएगी, तो यहाँ से ये क्या था 10 थीटा के इक्वल, 10 थीटा क्या है मीन्स थीटा क्या 45, और 10 45 क्या होता है 1 होता है, टेबल से आपको याद हो गया होगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे एक्स, बेस क्या है 17,
तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा 17 मीटर। x के वैल्यू यहाँ से भी आएगी 17 17। तो देखिए ये आंसर नहीं आया, x हमने सिर्फ इसको माना था। मतलब यही होता है एग्जाम का प्रेशर कि हमारा x की वैल्यू आ गई, आंसर 17 है, टिक भी कर दिया, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, हमें देखना है x इसको माना था इसको, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, हाइट ऑफ ट्री। तो ट्री की हाइट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट है, तो 17 प्लस 10 27 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को देखे दो तरीके से सोल्व किया, और जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली थी कि जरूरी नहीं हम इस ट्री को इस बिल्डिंग से बड़ा ड्रॉ करें, ठीक है। ऐसा क्यों, अगर हमने इसको छोटा ड्रॉ कर दिया होता, ठीक है, इसको हटा देते हैं हमने इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया, ट्री की हाइट सिर्फ इतनी, यहां पे बर्ड है और यहां से ये लाइन ऑफ साइट होगी, ठीक है, और ये हॉरिजेंटल हो गया, और इसने बोला था जो लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजेंटल के साथ 45 का एंगल बना रही है, तो हॉरिजेंटल ये थी लाइन और ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल 45, ये कंप्लीट 90 का था, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट एंगल 90 था। अब यहाँ से क्या हो गया, ये 90 का है तो ये भी 45 का हो जाएगा, ठीक है। अब ये ट्राइंगल फिर से क्या होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, आइसोसेलेस में अपोजिट इक्वल एंगल है, उनके अपोजिट वाली साइड इक्वल होंगी, तो इस एंगल का अपोजिट ये वाली साइड है, इसके अपोजिट ये वाली साइड, ठीक है। तो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल, ये 17 गिवन है, तो ये भी क्या होगी 17। तो देखिए ये पॉसिबल है ये वाली साइड 17 हो, क्यों, क्योंकि टोटल हाइट बिल्डिंग की क्या है 10 मीटर है, और हम बोले उसका एक पोर्शन क्या है 17 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऊपर ड्रॉ कर लेंगे, वहाँ से हमने जो सोल्व करके देख लिया, यहाँ से भी अगर आपने इतना कर लिया तो हमें पता चल गया जो ऊपर वाली हाइट आएगी वो क्या आएगी 17, सेम केस ऊपर बना था, तो 17 प्लस 10 क्या हो जाएगा 27।